हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर है। फ्रेंड्स, इस अपडेट में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा फ्रेंड्स, और आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली रिजल्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स मैं अभी आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे हूँ, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स, जो कि आरआरबी की तरफ से रिप्लाई आया है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये आरआरबी की तरफ से रिप्लाई आ रखा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 21/11/2021 का ये अप्लाई है फ्रेंड्स, आरआरबी की तरफ से जो अप्लाई बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटू 2 एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट जस्ट आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, आफ्टर दैट द आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट। फ्रेंड्स, ये बात पक्की हो गई है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा फ्रेंड, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद ही आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। रेलवे ग्रुप डी का फ्रेंड्स एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कि जो बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था फ्रेंड्स, वो अपना फॉर्म एक्सेप्ट करा सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण। अब बात रही सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स, आरआरबी जो एनटीपीसी के रिजल्ट को लेके कहा जा रहा है, रिजल्ट आपका अंडर प्रोसेस है फ्रेंड्स, अभी तक कोई ऑफिशियल डेट इनकी तरफ से जारी नहीं हुई कि इस दिन आपका रिजल्ट डायरेक्ट घोषित हो जाएगा फ्रेंड्स। और कारण क्या बताया फ्रेंड्स, वो एक आप देख सकते हो, कारण यही बताया गया है फ्रेंड्स, डिफिकल्ट टाइम फॉर द पेंडेमिक एंड द डेट ऑफ द कम्प्लीटेशन ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट बी अवेलेबल एट दिस स्टेज। फ्रेंड्स, ये कोरोना के कारण ये रिक्रूटमेंट जो है पूरा हम इस स्टेज पे नहीं कर पाए, जो कि बताया गया समय था। बस फ्रेंड्स, यही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है, आपके रिजल्ट को लेके यही कहा जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।